तेजस अरे फिर से ग्रुप में डाल तो दिए हैं सर, तेजस आज आप के लिए वो सर आज किस ये क्या हुआ? हाँ चलो, ये दिखाई दे रहा है ना? यस सर। चलो, हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। ये यार इसको लिखना है हिस्ट्री। क्या हो गया? रुको रुको रुको, हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तुम लोग को भी पीछे ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये व्हाइट सर बोर्ड विवेक देखो। का माइक ऑफ है, ऑन है सर। तो हम ईयरफोन लगा लिए। सर बस बस बस, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। ठीक है, तो हिस्ट्री को, हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आपका प्राचीन भारत, आपका नंबर वन में पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत मतलब एंशियंट, एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। अब देखो, कोई साइंस वाले होंगे तो वो तो कभी ये सब पढ़े नहीं होंगे, फिर भी आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन प्राचीन भारत। जैसा ही फिर अरब का जो आक्रमण हुआ था, तो आगे समझ, इसको कहते हैं मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। फिर उसके बाद क्या, थर्ड नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न, मतलब कि आधुनिक भारत। ये आधुनिक भारत। देखो, इतिहास को, तीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए, जैसे कि कोई यदि बीपीएससी का टारगेट किए हुए हो, तो बीपीएससी या यूपीएससी, इन इन सभी का यदि टारगेट किए हुए हो, तो वो एक आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छा माना जाता है। जैसे कि बहुत से जो आप आईआईटीएन भी करते हैं, जो टॉप करते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, तो उनका देखोगे किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता है, किसी का एंथ्रोपोलॉजी होता है, या किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का ज्योग्राफी होता है। तो एक तरीके से आर्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं ना, कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप आर्ट्स लेते हो, यदि आपका ये टारगेट है तो आपका आर्ट्स सही होगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, सबसे प्रथम टॉपिक हमारा प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। अब देखो, हम आपको ज्ञान उतना नहीं देंगे जितना आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछेगा, उतना हम आपको बताएंगे। फालतू हम नहीं बताएंगे आपको, जितना पूछेगा उतना हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो समझ गए, पहले प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे, लिखते जाना मेरे साथ। अब प्राचीन भारत में पढ़ेंगे तो इसमें क्या, कौन कौन से टॉपिक है? तो आगे गुप्त वंश, इसी में पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, सारे धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इतिहास, मतलब हिस्ट्री को जानने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, मतलब हिस्ट्री हमको जानना है, इतिहास में क्या हुआ, जैसे हम लोग, हम स्वतंत्रता कैसे मिली, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या किसका बुक का सहारा लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अपने दादाजी से या पहले वाले जमाने के आदमी से, या उनकी लिखी गई किताबें को पढ़ते हैं। वैसे ही भारतीय इतिहास को जानने के लिए, भारत में जो इतिहास है उसको हम लोग को जानने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरतें पड़ती है, किसका सहारा लेते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो आता है, ऐसे करके लिखना, सबसे पहला जो आता है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ की हम लोग सबसे पहले लेते हैं धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ में क्या क्या है, तो वेद, वेद का नाम आप लोग सुने होंगे, वेद का नाम, तो इसमें ए नंबर वेद, वेद का नाम जैसे आपका यजुर्वेद, साम वेद, अथर्व वेद, ऋग्वेद, वेद, वेद इंग्लिश में भी वेद ही कहते हैं। तो इतिहास को जानने के लिए, ये हमारा जो इतिहास है उसको जानने के लिए, जैसे दो दो प्लस दो कितना होगा, ये चार होता है, इसको जानने के लिए, दो प्लस दो कितना होगा इसको जानने के लिए, हम लोग को एक जोर, मैथ में जोर होता है, एडिशन होता है, उसको जानना पड़ता है। उसी प्रकार इतिहास को जानने के लिए सबसे पहला जो हम लोग का अस्त्र हमारे पास है, वो वेद है, मतलब धर्म ग्रंथ है। तो धर्म ग्रंथ में वेद होता है, और क्या होता है, तो आपका बी नंबर पुराण होता है,
ये सब आगे क्या क्या है सब बताएंगे, अभी लिखते जाओ। वेद पुराण होता है, इसके साथ आपका क्या होता है उपनिषद होता है, उपनिषद। उपनिषद होता है, फिर आपका बौद्ध ग्रंथ जो बौद्ध थे महात्मा बुद्ध द्वारा लिखी गई बौद्ध साहित्य होता है, बौद्ध ये सब देखो, ये सब जानने के लिए होता है कि इतिहास को जानने के लिए सबसे प्रथम को होता है कि धर्म ग्रंथ के बारे में, फिर आपका जैन साहित्य होता है, ई नंबर लिखते जाना, फिर आपका जैन साहित्य है, जैन साहित्य होता है, मतलब ये सब धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनको धर्म ग्रंथ कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका एक, इसमें तो ये हो गया, दूसरा आता है फिर ऐतिहासिक ग्रंथ। अब दूसरा आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा लिखो, सर एक नंबर में क्या लिखा है, थोड़ा सा पीछे की जगह तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, दूसरा लिखो, रुक जाओ पहले, दूसरा होता है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ किसको, धर्म ग्रंथ के बारे में बहुत, ये जब बात करें हम लोग धर्म ग्रंथ की, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, या एक तरीके से जो वेद होते हैं, ये जो वेद है इसका उद्गम का क्या यार, अरे विवेक भाई तुम लीड भी लगाए तो भाई माइक ऑफ रखो। सुनो तो अब आगे करो, तो ये जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, सबसे पहले हमको इतिहास जानना है तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ का हम लोग यूज करेंगे, तो धर्म ग्रंथ में भी क्या होता है, तो वेद होते हैं, पुराण होते हैं, तो ये सब जो है ना वेद पुराण ये सब ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया है, और ये सब वेद पुराण उपनिषद बहुत प्राचीन है, ये सब बहुत पहले की बात है, ठीक है। अब दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, अब देखो ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या होता है, जैसे अर्थ सबसे पहला इसमें आता है अर्थशास्त्र, तो अर्थ इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त कह सकते हो, तो ये देखो ये यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट है, ये आपका VVI है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे कि ये सब देखो अर्थशास्त्र किताब का हिंदी नाम है, का ये अर्थशास्त्र जो है वो किताब का नाम है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक मतलब इतिहास में जो ग्रंथ लिखा गया उसको ऐतिहासिक ग्रंथ करते हैं। तो निम्नलिखित हम कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ आपको लिखते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, फिर देखो राज तरंगिणी नाम है ऐतिहासिक, राज तरंगिणी, तो इनका क्या है, कलहन। इनके लेखक का नाम क्या है, तो याद कर लेना कलहन, कलहन। फिर इसके साथ तीसरा लिखो, तीसरा लिखो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवाते चले जा रहे हैं, फिर चचनामा, ये सब देखो ये किताब का नाम है, बुक का नाम है, चचनामा, चचनामा, तो इसका लेखक कौन है, तो चचनामा का है हाँ अली अहमद, अली अहमद, अली अहमद, अली अहमद। फिर चौथा क्या है, चौथा क्या है, चौथा है आपका गार्गी संहिता, ये किताब का नाम है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है ना कि क्वेश्चन आएगा कि गार्गी संहिता के लेखक कौन है, तो गार्गी संहिता इसके लेखक का नाम है कात्यायन, कात्यायन ये लेखक का नाम है, इधर उनकी पुस्तक लिखी गई है, इधर ये पुस्तक लिखी गई है, और ये उनके लेखक हैं। तो इतिहास को जानने के लिए इन सभी जो किताब अपना लिखे उनको हम खोल कर पढ़ते हैं तो हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी होता है कि हमारा इंडिया के इतिहास कैसा रहा है, इतिहास में क्या क्या हुआ है, मतलब पास्ट में हमारा क्या क्या हुआ है। फिर एक इसमें इम्पोर्टेंट है महाभाष्य, महाभाष्य, महाभाष्य गार्गी की साहित्य के बाद क्या है सर? गार्गी साहित्य के बाद क्या, गार्गिक संहिता कात्यायन, 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 ठीक है। तो अब देखो महाभाष्य का लेखक, तो महाभाष्य पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि। अब देखो जो ज़्यादा हम इस पे नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि आप बाकी आप पढ़ोगे, BA के स्टूडेंट हो आप पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे, हमको एग्ज़ाम, लोगों को एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बातें हम लोग करेंगे। एक नंबर में क्या लिखा है सर? तो आप पीछे की जन स्क्रीनशॉट लेंगे। अर्थशास्त्र, प्राचीन भारत लिखा है एक नंबर भाई, मतलब सर नहीं सर, इतिहास। जैसे दो है हाँ ना वो मतलब शुरू ही से है सर। हाँ एक नंबर हाँ प्राचीन भारत, इतिहास हम प्राचीन लोग इतिहास। पढ़ेंगे,
इतिहास में हम लोग सबसे ठीक पहले प्राचीन पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक। क्वेश्चन की बात करें तो इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएगा, इससे थोड़ा सा बौद्ध धर्म, साहित्य धर्म और ये सब जो मैं आपको लिखवाया उससे क्वेश्चन बनेंगे। आधुनिक भारत से क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन के बनेंगे आपके, ठीक है। अब देखो प्राचीन भारत इतिहास को जानने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, और तो एक आएगा फिर तीसरा नंबर में विदेशियों का विवरण, विदेशियों का आपका विवरण लिखो। जानने के लिए क्या चाहिए, विदेशियों का विवरण, मतलब विदेशी जो भी हेनसांग आए या आपके मध्यकालीन में जो भी आए आपके, उसमें आपके जितने भी लेखक आए ना, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, एक एक मिनट एक मिनट एक, हाँ जैसे हेलो यूनानी लेखक आपके, सर, हाँ बीए का हो रहा है क्लास, BA का हो रहा है, बीबीए वाला कब होता है? वही मुझे ज्वाइन करेंगे 7 बजे, ठीक है, 7 बजे, ठीक है सर। कल से चेंज हो जाएगा। विदेशियों का विवरण, तो विदेशियों के विवरण में देखो सबसे पहले कौन आया था, यूनानी लेखक आया था। ये सब लिखने की नहीं, हम समझा दे रहे हैं। तो तीसरा नंबर इतिहास को जानने के लिए हम लोग को धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया था, फिर ये ऐतिहासिक ग्रंथ लेखक बड़े बड़े विद्वान लेखक के द्वारा लिखा गया, फिर विदेशियों का विवरण। देखो कैसे हम लोग ये कैसे जान रहे कि भारत में, बीबीए क्या हुआ सर? बीबीए सर, बीए हुआ सर, बैचलर बैचलर इन आर्ट्स भाई बिजनेस है लास्ट सर। में पूछना भाई। अब देखो जैसे कि हम लोग कैसे जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ये कैसे जानते हैं, या तो हम कहीं पढ़े हैं या कोई उसके बारे में हम लोग को बताया है। तो ये भी है प्राचीन भारत के बारे में कि प्राचीन में हमारा भारत कैसा था, उसको जानने के लिए धर्म ग्रंथ है, उसके ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण, विदेशी में कौन कौन आए थे, तो आपके यूनानी लेखक आए थे, आपके चीनी लेखक आए थे, आपके अरबी लेखक आए थे, बहुत से लेखक आए थे। तो आगे की बातें हैं वो आगे हम आपको बताएंगे, तो ये ज़्यादा जो जो करना है वो धीरे धीरे समय पे आएगा। चौथा नंबर क्या है आपका, पुरातत्व संबंधित ज्ञान, जैसे कि हम लोग देखते हो मोहनजोदड़ो पर है, हड़प्पा पर है, तो ये सब कैसे हम लोग को जानकारी हुआ, मतलब हम लोग जहाँ पे लगे कि यहाँ पर पहले के ज़माने में, या हम लोग का गांव जाते होंगे तो बहुत से ऐसे घर हो जाए तो खंडहर हो गए होंगे, तो खंडहर के अंदर जिज्ञासा होता है कि इसके अंदर जाते हैं क्या होता था, पहले ज़माने का ईंट कैसा होता था, खपरे का घर होते थे। तो पुरातत्व, इस आर्कोलॉजिकल जिसको हम लोग कहते हैं, वही आपका पुरातत्व। पांच चौथा जो होता है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी आपके साक्ष्य होना जरूरी मतलब होता है, जिसमें हम लोग क्या गड्ढा करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे करते हैं, वहाँ से हम सिक्के मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, तो ये सब हम लोग पता करेंगे इतिहास जब पढ़ेंगे। तो इन चारों चीज़ों को लेकर चलेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे, तो हमारा पूरा इतिहास जो है इन्हीं चार चीज़ों पे नाचते रहेगा। कभी हम लोग धर्म ग्रंथ से अपने इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, कभी हम लोग ऐतिहासिक विद्वानों के द्वारा लिखे गए किताबों से जानने की कोशिश करेंगे, तो कभी जो हमारे विदेशी आए, विदेशियों का विवरण आया, वो जो अपनी किताबों में लिखे, जैसे निकोलस निकेटर जो था वो आया, अलबर्नी आया, तो ये सब आया, तो वो सब क्या अपनी किताब में इंडिया के बारे में लिखा है, वो सब हम लोग जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद चौथा नंबर कैसे जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग गड्ढा करेंगे, पुरातत्व मतलब आर्कोलॉजिकल गड्ढा करेंगे हम लोग, और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा क्या क्या हुआ था। तो इन सभी में सबसे पहले हम लोग वेद पढ़ेंगे कि वेद क्या है, वेद क्या किसको कहते हैं, वेद क्या, अच्छा हो गया ना ये व्हाइट बोर्ड आज कुछ बदल गया, ज़्यादा ऐसे ऊपर नहीं होता था। अब देखो हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे कि वेद क्या है, वेद के बारे में सबसे पहले तो हेडिंग डालो, उतना के बाद वेद, सबसे पहले हेडिंग डालो वेद, वेद क्या है, वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है, क्लियर है, समझ पा रहे हो, सबसे यस पहले सर, पहले यस सर, हाँ सर, हाँ समझो कि सर, हम लोग को करना क्या है, पढ़ने से पहले सवाल बनाने से पहले कि हम लोग को करना क्या है, हम क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऐसे ही किताब निकाल कर पढ़ने लगोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले पढ़ना क्या है, स्टेप बना हुआ, पहले हम लोग ए जानेंगे फिर बी जानेंगे। हम लोग ए क्या जान गए कि हमको इतिहास पढ़ना कैसे कैसे है, किन किन खंडों में पढ़ना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पूरा तत्व बढ़ा देंगे। तो वेद के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि वेद क्या है, तो वेद कितने प्रकार के होते हैं,
तो देखो भारत का सर्व प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ के बारे में बात करें, मतलब इससे पहले हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिलेगी। मतलब सबसे पहला जो ए पॉइंट, पहला पॉइंट इतिहास जानने के लिए वही कर देते, तो फर्स्ट पॉइंट टू नो आवर हिस्ट्री, मतलब इतिहास को जानने के लिए प्रथम साक्ष्य, मतलब पहला हथियार जो मिला वो वेद मिला। क्या वेद मिला? तो यहाँ लिख सकते हो यहाँ कि भारत का सर्व प्राचीन सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वो हमारा वेद है। मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। इससे पहले कुछ पता ही नहीं चला कि इसके पहले क्या था। तो अब इसके संकलन करता, मतलब इसके बनाने वाले भी कोई होंगे, संकलन करने वाले होंगे, तो ये संकलन करता पूछेगा, ऐसे लिखेगा कि वेद के संकलन करता कौन थे, तो वेद के संकलन करता कौन थे, ऐसे करके आपके एग्जाम में सवाल पूछेंगे। तो महर्षि, नाम पूरा हम आपको लिख के देते हैं, नहा महर्षि अब वेद बनाया भी कोई होगा, इसके संकलन करता कौन बनाए हैं, तो महर्षि कृष्ण देवायन, नाम है देखो ये पहले जमाने का नाम है, देवायन वेद व्यास, वेद व्यास वेद व्यास वेद व्यास, क्लियर है? अब देखो, अब वेद हम लोग पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, तो वेद के हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेद के कितने टाइप्स, कितने तरह के वेद वेद जो है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो लिखेंगे, पहला जो हमारा है वो सर कृष्ण देवायन लिखा है। हाँ, पहला जो है वो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद पहला जो है वो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में क्या है कैसे है बताएंगे। दूसरा वेद जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो वेद हम लोग का है वो हमारा साम वेद है। वो हमारा क्या है? वो साम वेद है, साम वेद। तीसरा जो वेद हम लोग का है वो यजुर्वेद है, यजुर्वेद। ये सब वेद का नाम है, एक तरीके से मोटी मोटी किताबें हैं, उनसे पढ़ने से हमारे इतिहास के बारे में, या बहुत ये जो आप ई बराबर MC² देख रहे हैं, ये बराबर P = MV देख रहे हैं, ये जो है ना ये न्यू है। बाकी इसका सारा का सारा सार जो है वो हमारे वेद में पहले से मौजूद है। हमारे वेद में इतने महर्षि जो हुए, इतने जानकार थे कि ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पे होता है, ये होता है, ये सब पहले ही वो लोग बता दिए थे, पर वो हमारे वेद में है। वेद को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब संस्कृत में है, उनको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये चौथा जो है, चौथा हमारा है सर ऑनली अथर्ववेद। BA का है सर, हाँ ऑनली अभी BA का है। हाँ, 7 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जो BA के नहीं है। ओके थैंक्स। हेलो, हाँ हेलो सर, नहीं ट्राई करा। नहीं आप 7 बजे से, आपका 6 बजे से क्लास नहीं है, कल से आपका क्लास है, आज BA का है। ठीक है, बता देंगे, अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। वेद समझ लिए, वो क्लास BSc वाला था कोई, तो ठीक है, वेद समझ गए कि चार वेद होते हैं हमारे, समझ गए सर? यस यस सर। सर। हाँ, अब देखो, अब वेद में सबसे पहले वेद वेद जानेंगे कि वेद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है आ सर। रहा है जी सर। और कितना अब अच्छा से समझाएंगे। देखो, वेद में सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद इससे क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इसमें प्रथम पॉइंट, पहला पॉइंट आपको लिखना होगा कि ऋचाओं, ऋचाओं, ऋचा मतलब कहा जाता है कि ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया, उसको क्या कहते हैं, जो कविता के टाइप या आपका मंत्र, मंत्र बोल सकते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ज्ञान का संग्रह, संग्रह जैसे किसी का हेड होता है ना, तो वेद में हमारा हेड जो है वो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। तो ऋचाओं मतलब मंत्र के क्रमबद्ध ज्ञान का जो है ये संग्रह है, ठीक है। आगे इसके बारे में, और इसके बारे में लिखो, तो फिर लिखो ऐसे करके ऋग्वेद।
ऋग्वेद के बारे में हम लोग लिखते हैं, हम आपको अच्छे से बता देते हैं कि ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद ऊपर करते हैं, ऊपर करें थोड़ा सा। हाँ हाँ, सर, हाँ सर, तो ऊपर लिख लिया ये सब। तो ऋग्वेद किसको कहते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋग्वेद का संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग बात करें, तो ऋग्वेद के बारे में बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद को पढ़ते जो ऋषि पढ़ते, ऋषि मुनि, वेद को कौन पढ़ेगा, वेद को हम आप थोड़े पढ़ सकते, ऋषि ऋषि मुनि पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाले ऋषि को यहाँ पे लिख देना, पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले ऋषि को, लड़का डिस्टर्ब कर होत्रा रहा, होत्रा पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद जो पढ़ते हैं ना उनको होत्री कहते हैं, ठीक है। जैसे जो फिजिक्स पढ़ता है उसे फिजिक्सियन कहते, फिजिक्स कहते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ता है नाम दिया जाता है उसे, ऋग्वेद जो पढ़ते हैं ऋषि उन्हें क्या हम लोग बोलते हैं, होत्री। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। अब देखो ऋग्वेद के बारे में हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में आपके, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं आपके ऋग्वेद में, 10 मंडल हैं। और पूछेगा कि कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में आपके 128 जो हैं वो सूक्त हैं। और सूक्त का मीनिंग मुझे भी नहीं मालूम, मैं अभी खुद रट लिया ना इसके बारे में, हम इसके बारे में सर्च किए, ठीक है। फिर इसमें टॉपिक टॉपिक इसके बाद कि 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं, ऋचाएं मतलब कि मंत्र, कहने का एक तरीके से मंत्र। तो ऋग्वेद में क्या क्या है, तो पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 10,28 सूक्त हैं। और ऋचाएं कितनी है, तो 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। अब इन इसमें क्या है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आएगा कि ऋचाओं में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं, तो इंद्र के लिए यहाँ पे लिख देना कि ऋचाओं में, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं। मतलब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, और अग्नि के लिए, अग्नि के लिए, अग्नि के लिए, पहले इंद्र भगवान और ये अग्नि, इन सभी का बहुत पूजा होता था। ये एक ऊपर, सबसे ऊपर वाले भगवान होते थे, जैसे अभी सरस्वती माँ है, विष्णु जी है, उस समय इंद्र का अच्छा खासा रोल होता था, अच्छी खासी इनकी फैन फॉलोअर एक तरीके से कह सकते होंगे, ठीक है। थे सर क्रेज थे। हाँ, अब देखो इससे आगे क्या क्वेश्चन, इसके आगे ऊपर करें अब। यस सर। हाँ, तो अब इसके आगे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग जानकारियाँ, अब ऋग्वेद से हम लोग को क्या क्या जानकारियाँ मिलती है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर हम ऋग्वेद पढ़ेंगे सर, तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग को क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। तो आर्य होते थे, एक आर्य होते थे, जैसे अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होती है ना, तो आर्यों, तो इसमें आर्यों की जानकारी मिलता है, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में ज्ञान हमें किस वेद से प्राप्त होता है, हमें किस वेद से प्राप्त होता है, हमें किस वेद से प्राप्त होता है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हम लोग को क्या होता है कि ऋग्वेद में जानकारी मिलता है। अब देखो दूसरा लिखना, दूसरा लिखना, दूसरा लिखना, विश्वामित्र, समझ में आ रहा है कुछ समझने का, यस सर, आप बहुत अच्छे से। विश्वामित्र द्वारा रचित, रचित तीसरा मंडल, ऋषि 10 मंडल थे, तो तीसरा मंडल में क्या है, तो हम देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा बड़े अच्छे से बताते हैं। तो सूर्य देवता, मतलब सूर्य तीसरे मंडल में क्या है, मतलब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो सूर्य देवता लिखना, सूर्य देवता, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, जो आपका गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, वो आपका ऋग्वेद से लिया हुआ है, ऋग्वेद से लिया हुआ है, और ये किस कौन
कौन से मंडल, जैसे 10 मंडल है, क्लास 10 क्लास, किसी स्कूल में 10 क्लास है, तो तीसरे क्लास में से क्या लिया गया है कि सूर्य देवता, मतलब सूर्य देवता को समर्पित किया गया है गायत्री मंत्र, किसके द्वारा रचित है, तो ये आपका विश्वामित्र द्वारा रचित है, मतलब गायत्री मंत्र, यहाँ पे जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है, कौन से मंडल में है, आपके तीसरे मंडल में है। ठीक है, लगता है बोरिंग लग रहा है तुम लोगों को, नहीं सर, और कुछ थोड़ा धीरे धीरे बोलिए सर। सर हिस्ट्री समझेंगे तब ना सर, धीरे धीरे समझ रहे हैं, कुछ धीरे बोलेंगे तो धीरे समझ में लिखना नहीं भी आएगा पड़ता है, सर, इसलिए इसके कारण थोड़ा धीरे ऐसा धीरे सुन रहे हैं बोलिए, केवल, पड़ता है। और मतलब लिखने में तेज भी सर जल्दी जल्दी बिजी बोल रहे हैं। हैं, जोर से बोल रहे हैं या नहीं सर, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं? ठीक है सर, ठीक नहीं नहीं है सर, सर, बहुत बढ़िया है। चलो अब बहुत देखो, अच्छा है सर, समझ रहे हैं। आठवां मंडल, तीसरा मंडल बात कर लिए, अब लोग हम लोग आठवें मंडल में बात करते हैं कि 10 मंडल है तो जो जो इम्पोर्टेंट मंडल है इसमें, तो आठवां मंडल रटते जाना, नहीं समझ में आए तो रट लेना। आठवां मंडल में क्या है, तो आठवां मंडल क्या है, तो हस्तलिखित लिखो, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित ऋचाओं, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ जो ऋचा है उसका वर्णन, तो इसको क्या कहते हैं, हाथ के द्वारा जो लिखा हुआ ऋचा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको खील कहते हैं। तो क्वेश्चन देखो, एक एक जो हम लाइन लिखा रहे हैं ना, उससे तीन तीन चार चार तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो पहला तो आठवां मंडल में क्या है, तो आठवां मंडल में आपका हस्तलिखित ऋचा है, ठीक है, तो उसको फिर हस्तलिखित ऋचा है उसको कहते क्या है, तो उसको कहते हैं खिल, उसको क्या कहते हैं, खिल कहते हैं, खिल ही खिल कहते हैं। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर से, अब देखो चौथा नंबर है कि नौवां मंडल में क्या है, मतलब ऋग्वेद के नौवां मंडल में क्या है, नौवे मंडल में ऋग्वेद के क्या है, ठीक है, तो नौवे मंडल में क्या है आपका, सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है, नौवे मंडल में क्या है आपके, सोम देवता का उल्लेख है। और दसवां मंडल आपका क्या है, फिर दसवां मंडल भी होगा, तो पांचवा नंबर पॉइंट लिखो, दसवां मंडल, दसवां मंडल, तो दसवां मंडल क्या है, तो देखो दसवां मंडल है, बीस लोग अभी भी आ गए ना, जानकारी नहीं होने के बावजूद, तो देख लेते हैं ग्रुप में कोई मैसेज कुछ नहीं छोड़ रहा है ना, अब तो देख लेना चाहिए सबको ग्रुप में। बता फिर दसवां मंडल क्या है, तो चतुर वर्णीय समाज, मतलब चार वर्ण पहले था, चतुर्वर्णीय समाज चार वर्ण था पहले, जो हमारा समाज विभक्त था वो अच्छा चार वर्ण में था, तो चार वर्ण कौन था, तो चार वर्ण का नाम, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और हाँ, शूद्र, अक्षुद्र, तो ब्राह्मण था, नाम लिखो ब्राह्मण। अब ये जो था ना, अभी तो जात पात हो रहा ना, पहले ये कार्य के आधार पे होता था, कार्य के आधार पर होता था इनका बंटवारा, ब्राह्मण पूजा पाठ, क्षत्रिय युद्ध लड़ने वाला, वैश्य व्यापार करने वाला, शूद्र साफ सुथरा करने वाला, ठीक है। तीनों वर्णों की सेवा करने वाला। हाँ अब देखो, अब इतना हो गया, हम देखो ये ऋग्वेद से है जो इम्पोर्टेंट कहानी खत्म, ऋग्वेद का कहानी आज यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब देखो आगे, ऋग्वेद के बाद अब देखो एक यहाँ से नोट करके लिख देना, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख देना कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, साधन कहने का मतलब जानकारी जुटाने के रूप में, साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद के बाद, मतलब ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ये भी एक तरीके से
वेदांग है, शतपथ ब्राह्मण जो वेद होता है ना, तो वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग की जरूरत होती है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्राचीन इतिहास में वैदिक साहित्य में या यहाँ से आएगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है सर, ये शतपथ ब्राह्मण बुक है क्या? वेदांग है ये, वेदांग, वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग की जरूरत पड़ती है, तो वेदांग है। ऊपर करे लिख लिए सब, लिखे थे? यस नो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एक बार थोड़ा सा नीचे सर भाई करो जल्दी, 41 हो गया, 7 बजे से फिर हो गया। अब देखो सामवेद हम लोग पढ़ते हैं, सामवेद क्या है, तो सामवेद के बारे में पढ़ो थोड़ा सा, सामवेद के बारे में पढ़ो। इसमें नंबर वन लिखो गाये जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। गाये जा, जिसको हम लोग गा सकते हैं, मतलब ऐसा मंत्र जिसको गा सकते हैं, जिसको हम गाते हैं ना, तो गाये जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। ठीक है, उसको सामवेद इसमें है। तो इसको अब देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा वो है भारतीय संगीत का जनक किसे, कौन सा वेद है, तो वो आपका सामवेद, भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत, एक मिनट, भारतीय संगीत का जनक इसको किसको बोलते हैं, तो बोलेगा भारतीय संगीत का जनक किसको बोलते हैं, तो सामवेद को। फिर इसके तीसरा नंबर, तो पाठकर्ता इसको कौन पढ़ता है, तो लिखो पाठकर्ता, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, इसके पाठकर्ता को बोलते हैं, इसका नेम चेंज करना पड़ेगा, पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उदात्री, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। ठीक है, बस इससे ज्यादा इसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। ठीक है, ये नीब जो था ना इसका थोड़ा सा, भारतीय संगीत का जनक नहीं लिखा है क्या? अब अगला लिखोगे यजुर्वेद। यस सर। लिखो यजुर्वेद। अब इसके पहला लिखो, यजुर्वेद के बारे में लिखो, वैदिक कर्म कांड के नियमों का संकलन, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, भूल नहीं देना रिकॉर्ड करना। अब देखो दूसरा लिखो, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, एकदम देख रहे हो कितना जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट एकदम आएगा वही लिखवा दें, अर्धवायु, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अर्धवायु,
और एक इम्पोर्टेंट इससे पूछेगा ना, एक इम्पोर्टेंट पूछेगा कि कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में उपलब्ध है, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में उपलब्ध है। तो इसके नीचे लिखो यह गद्य एवं पद दोनों में उपलब्ध है, दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, ठीक है सर जी। यस सर। हाँ सर। अब देखो भारतीय संगीत का जनक बता दिए ना सर, इसके थोड़ा पाठ्यकर्ता का एक बार नाम और लीजिए सर। अर्धवायु, 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 अर्ध, अथर्वयु, अधर्वयु, अधर्वयु, अधर्वयु। वही तो सर, हमको हम वही याद किए हैं। अधर्वयु था ना ध ध ध ई ना ध है ध। चलो अब देखो अगरता बीएससी का, अगरता बीएससी का है ना। हेलो, अब अगला जो है देखो, यहाँ तो लिखवा दिए सारा का सारा। अब अगला क्या बच्चा आप भी किसके ये अथर्ववेद साम वेद लिखवा दिए, अथर्ववेद। यस सर, अब अथर्ववेद है। अथर्ववेद पे आ जाओ, अथर्ववेद से आपके क्या क्या सवाल एग्जाम में बनेंगे वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब लिखो सबसे पहले अथर्ववेद, कौन आने लगा अब इतना लेट से, सवार रहा है कहाँ, ये सब आप लोग कौन है, बीबीए बीएससी वाले हैं, कौन से क्लास वाले आ रहे हैं जो अभी आ रहे हैं? बीकॉम वाले। तो आपका 7 बजे से है। ठीक है। अथर्ववेद के बारे में तो अब इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा अथर्ववेद में, कि पूछेगा कि सबसे आखिर में रचित वेद, सबसे आखिर में रचित वेद कौन सा है, सबसे आखिर में, सबसे आखिर में रचित वेद तो अथर्ववेद। ठीक है, रचयिता इसके कौन थे, दूसरा कि अथर्ववेद के रचयिता कौन से कौन थे, तो रचयिता लिखो, रचयिता, रचयिता इसके रचयिता, अथर्ववेद के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो थे वो आपके थे अथर्ववा ऋषि, अथर्ववा ऋषि याद रहेगा, याद रहेगा अथर्ववा, अथर्ववेद से अथर्ववा ऋषि। जी सर, लेकिन सर वो सामवेद के तो लेखक नहीं बताए सर। नहीं है भाई, सामवेद के लेखक नहीं, जिसका मालूम है तो उन सब का लेखक नहीं बताए हैं। हाँ, उन सब का लेखक, जिसका लेखक का जानकारी है वो आपके बता दें। ठीक है, अब देखो अथर्ववेद के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जानकारी। अथर्ववेद में हम लोग को क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें जानकारियां लिखो, रोग निवारण, रोग इसके नीचे लिखो जानकारियां। अथर्ववेद में जैसे यजुर्वेद के बारे में जानकारियां आपको बताए थे, तो अथर्ववेद का भी होगा। तो अथर्ववेद में कौन कौन सी जानकारियां मिलती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैं ये साला पेन का नेब हो गया खराब। जानकारियां तो सबसे पहला जो होगा वो होगा रोग निवारण, रोग निवारण, सबसे पहले रोग निवारण के बारे में जितने भी हैं वो अथर्ववेद में आपके होते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या क्या और होता है, अंधविश्वास, अथर्ववेद में जो अंधविश्वास है, मार धार, पूजा पाठ, जादू टोना, जादू टोना जो आपका है वो अथर्ववेद से लिया गया है। तो ये भी आएगा कि जादू टोना किस वेद से लिया गया है, तो अथर्ववेद से लिया गया। ठीक है, इसमें यहाँ पैसे करके लिखना है, इसमें क्या लिखना, इसमें लिखना कि 731 मंत्र, इसमें क्या है 731 मंत्र, 731 मंत्र है, और क्या है 6000 पद है, 6000 क्या है पद हैं अथर्ववेद में, 731 मंत्र और 6000 पद हैं। ठीक है, अब देखो अंधविश्वास तो आपको बताइए दिए कि अंधविश्वास, जादू टोना,
ये सब होता है, इसी में अथर्व वेद में ही है। दूसरा है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है, सभा एवं समिति, सभा एवं समिति, सभा एवं समिति, सभा एवं समिति, इसको क्या कहा गया है, सभा एवं समिति। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रजापति की दो पुत्रियां कौन है, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रजापति प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति की के दो पुत्रियां किनको कहा गया है, दो पुत्रियां किनको कहा गया है, तो सभा एवं समिति को, ठीक है। अब अथर्व वेद के बारे में एक और जो है वो आपका बहुत तगड़ा दिया जाता है, और ये पूछा जाता है कि अथर्व वेद में था ना कि कन्याओं, मतलब औरतों, कन्याओं, कन्याओं बच्चियों, कन्याओं की जन्म का निंदा, कन्याओं की जन्म का निंदा किया था अथर्व वेद। अथर्व वेद में कन्या जी मतलब जन्म लेती है उसकी निंदा की गई थी कि ये खराब बात है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब कहाँ पे आ गए, अच्छा अब यहाँ के नीचे ऐसे करके लिखो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाकर लिखो, इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर लिखो, यहाँ पे नोट्स बना के ये इस पेन से लिखो ना, इस पेन से लिखो, नोट बना के लिखो कि सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद एवं सबसे अंतिम वेद अथर्व वेद है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से, हाँ यस सर, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे, वेद के बारे में तो हमको चार वेद था, सारा का सारा हम आपको क्लियर करते चले गए, सब बता दिए कि वेद क्या है सर, कैसे है सर, सर थोड़ा बैक कीजिए तो, नीचे कीजिए तो सर, कहाँ हो गया सर, आज इसका वाला कम से कम पीडीएफ सर भेज दीजिएगा सर, हम लिखे नहीं है अच्छे से, अच्छा क्योंकि आप जानते हैं हम कहाँ हैं अभी, आप होटल में सर, हिस्ट्री का ही फर्स्ट क्लास है, हाँ। आज ही कर रहे हैं इसकी सिर्फ, हाँ प्लीज सर भेज दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने में बनेगा तो भेज देंगे भाई। अब देखिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं वेदांग, वेदांग, अब हम लोग पढ़ते हैं वेदांग के बारे में, वेदांग का भी हम लोग कर लेते हैं, वेदांग, अब पढ़ते हैं वेदांग, वेदांग, ठीक है, वेदांग क्या है, वेदांग, वेदांग क्या है इसके बारे में जानते हैं, तो लिखोगे इसको, वेदों को समझने हेतु, वेदों को समझने हेतु, वेदों को समझने हेतु, वेदों को समझने हेतु, वेदों को समझने हेतु हम लोग किसका करते हैं, तो वेदांग का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वेदांग इससे क्वेश्चन बनेगा कि वेदों को समझने के लिए किसका यूज होता है, तो वेदांग का यूज होता है, ठीक है। ऐसे वेदांग के बारे में यदि हम आपको वेदों को समझने के लिए वेदांग की उत्पत्ति होती है, अब इससे ज़्यादा इसे सवाल नहीं पूछेगा, वेदांग को समझने के लिए क्या क्या, जैसे एक बार ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर लिखवा देते हैं जो BHU पूछ दे, वेदांग को ऐसे करके लिखो एक वेदांग में सर, हाँ सर, सॉरी सर फॉर डिस्टर्ब, सर पूछना था कि BCOM का 7 बजे होगा क्या, हाँ आज होगा। अब वेदांग में सबसे पहले वेदांग को पढ़ने के लिए शब्दों की 7 से 8 रीडिंग होगा सर, हाँ, शब्दों की उत्पत्ति वेदांग को, दूसरा होता है वेदांग को समझने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, वेदांग को समझने के लिए शब्दों की उत्पत्ति, फिर वेदांग के लिए शिक्षा,
तीसरा क्या होता है, कल्प, कल्प इसका नाम है कल्प। कल्प मतलब होता है रस्म और समारोह, रस्म और समारोह। फिर देखो ज्योतिष, चौथा जो होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वेदांग को समझने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं, ज्योतिष। फिर होता है फिर ज्योतिष के बाद छंद, इसका नाम है छंद। ये लिख लिए, निरुक्त तो लिखवा दिए, शब्दों की उत्पत्ति, ये तीन दो पांच चीज यदि आप जानते हो, मतलब व्याकरण जानते हो। व्याकरण लिखवाए हैं, व्याकरण नहीं लिखवाए ना, व्याकरण तो वेदों को पढ़ने के लिए या वेदांग में व्याकरण जरूरी है, शब्दों की उत्पत्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके नहीं, लेकिन पर पूछता है कि व्याकरण के लेखक कौन है, ये पूछ देता है सर। हम देखे हैं पिछला वर्ष का जो थी, उसमें का जो क्वेश्चन मिला है। अब देखो, अब देखो नीचे कीजिए सर। अगला जो है, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे सही ढंग से, वो पढ़ेंगे पुराण, पुराण। ठीक है, पुराण अभी चार मिनट है, चार मिनट में देखते हैं पुराण खत्म करते हैं थोड़ा सा। हाँ पुराण हो जाएगा, ठीक है। पुराण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पुराण क्या है, उसे आगे बढ़े जल्दी जल्दी, फिर सात बजे से क्लास की खत्म कर दे वेदांग के तक। जी सर, जी सर, हाँ खत्म कर देते हैं यहीं तक इसको, क्या तीन मिनट मेरे को। जी सर, हाँ सर, पुराण ज्यादा है थोड़ा। हाँ स्टॉप।